मैं चाहूं तो एक एक करके अपने सारे सैनिकों को सागर पार ले जाऊं, परंतु इसमें कम से कम एक मास लग जाएगा और समय ही हमारे पास नहीं है। मेरे मित्र ने तुमको लंका का राजा बनाकर इतना बड़ा उपकार किया है विभीषण, तुम्हें भी तो इस महान उपकार का कुछ मूल्य चुकाना चाहिए। मैं तो अपने प्रभु राम का दास हूं, मेरी तो बस एक ही कामना है कि कोई ऐसी घड़ी आए कि जब मेरी भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा हो और मैं ये सिद्ध कर सकूं कि जो मेरी जीभा पर है वही मेरे मन में है। विभीषण जी, तो फिर हमारी सागर पार करके लंका तक पहुंचने की समस्या का समाधान कर दीजिए। प्रभु, इतनी छोटी सी बात आपको कैसे चिंतित कर सकती है? सागर तो आपके कुलगुरु हैं, यदि आप उनसे प्रार्थना करें तो वो स्वयं आपको कोई उपाय बता देंगे। क्षमा कीजिएगा विभीषण जी, जो लोग देव देव पुकारते रहते हैं वो आलसी और कायर होते हैं। नहीं अनुज, प्रार्थना आलस्य एवं कायरता का चिन्ह नहीं, विनम्रता का चिन्ह है, और विनम्रता मानव का सर्वश्रेष्ठ गुण है। लंकेश, विभीषण का विचार उत्तम है, मैं अभी सागर देव का आवाहन करने जा रहा हूं। क्षमा कीजिएगा प्रताश्री, विनम्रता की भी कोई सीमा होती है। आपको इन सागर देव की आराधना करते हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं, किंतु इन सागर देव को देखिए, आपकी सुनी अनसुनी कर रहे हैं। प्रताश्री, मेरे पास गुरु विश्वामित्र का दिया वो बाण है जिसे आप सागर देव पर साध कर एक क्षण में उन्हें सुखा सकते हैं। ये लीजिए प्रताश्री, दादी ऐसे सागर देव पर। सागर देव, जिस प्रकार केले का पेड़ सींचने से नहीं काटने से ही फलता है, उसी प्रकार जब मैंने अपना धनुष बाण उठा लिया
तब आप आ पहुंचे हैं। हे शेरा, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और आप और उसी मर्यादा का पालन करते हुए मैं यहाँ बैठा 3 दिनों से आपकी स्तुति कर रहा हूँ सागर देव, आपका आवाहन कर रहा हूँ। मर्यादा यही कहती है कि यदि कोई याचक दीन होकर सहायता की याचना करने चला आए तो उसकी सहायता करने में 3 पलों का भी विलंब नहीं होना चाहिए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने सत्य कहा, मैं लाख विशाल सही, किंतु मेरे जल में तो लवण भरा है, सभी प्यासे जानते हैं, इसलिए मेरे द्वार पर कोई भी अपनी प्यास बुझाने नहीं आता। मुझे आने में विलंब हुआ, यह उसी लवण का प्रभाव था। मेरे अंतर में तो रत्न भरे पड़े हैं, किंतु कालकूट विष भी मेरे ही अंतर में था। मुझे क्षमा करें, आपके बाण से मेरी विशालता समाप्त हो जाएगी, मैं जलकर सूख जाऊंगा और आपकी सेना पार उतर जाएगी, किंतु मेरे आश्रित लाखों प्राणी जलकर सूख जाएंगे। अब जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप करें, मैं शरणागत हूं। हे सागर देवता, मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मेरी ये समस्त सेना सागर के उस पार उतर जाए। हे शेरा, वानर सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं। उन्होंने एक महान आचार्य से अपने बाल्यकाल में किसी भी वस्तु के भार को हल्का कर देने की शिक्षा पाई। उनके स्पर्श से और आपके प्रताप से पत्थर जल पर तैरने लग जाएंगे, इस प्रकार एक सेतु बन जाएगा और सेना पार उतर जाएगी। उपाय हेतु धन्यवाद सागर देवता, किंतु मैं लक्ष्मण के इस बाण का क्या करूं? ये तो प्रक्षेपास्त्र है, इसे लौटाया नहीं जा सकता। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे तट के उत्तर दिशा की ओर राक्षसों का एक समूह है जो तपस्वियों का भक्षण करता है। इस बाण का प्रयोग आप उन पर कर दीजिए, इससे क्षेत्र के तपस्वी मुक्त हो जाएंगे और वे नरभक्षी राक्षस समाप्त हो जाएंगे। जय श्री राम।
अवंसुत, ये क्या रहस्य है? आप सबके फेंके हुए पाषाण तो जल के ऊपर तैर रहे हैं, किंतु जो पाषाण मैंने फेंका वो डूब क्यों गया? प्रभु, आप जिसे छोड़ दें वो तो डूब ही जाएगा। तरते तो वही हैं जिन्हें आपके नाम का आश्रय हो। लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। राम अपनी वानर सेना सहित सिंधु सागर पार उतर चुका है। राताश्री, अब क्या विलंब है? हमें तुरंत लंका पर आक्रमण कर देना चाहिए। मैं सुमित्रानंदन से सहमत हूं मित्र, मेरी सेना भी युद्ध के लिए तैयार है। नहीं मित्र, मैं रावण को एक और अवसर देना चाहता हूं। मैं फिर से एक बार रावण के पास अपना दूत भेजूंगा। किंतु भ्राताश्री, आपने पवनसुत को अपना दूत बनाकर उसके पास भेजा था, क्या परिणाम निकला? कुछ भी नहीं ना। यदि आप फिर से उसके पास अपना दूत भेजेंगे तो वो हमें कायर समझेगा। रावण यदि मुझे कायर समझकर युद्ध नहीं करता तो मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लक्ष्मण, युद्ध विनाश है, रक्तपात है, हानिकारक है, मानवता के लिए दुखदाई है। एक युद्ध का प्रभाव मिटते मिटते शताब्दियां बीत जाती हैं। लक्ष्मण, यदि रावण अब भी सम्मान सहित सीता को मेरे पास भेज देता है तो मैं उसे क्षमा करने एवं युद्ध ना करने के लिए तैयार हूं। जैसी आपकी इच्छा मित्र, आदेश दीजिए, किसे भेजा जाए? मेरे विचार में युवराज अंगद ही इस कार्य के लिए सबसे उचित है। मेरे अहोभाग्य, जो आपने मुझे चुना, मुझे आशीष दीजिए प्रभु। यशस्वी भव, यशस्वी भव। जय श्री राम। जाकर रावण से कहो कर ले भूल सुधार, सीता को कर दे विदा।
रुके महासंहार। अवसर देता हूँ से कहो बचा ले प्राण, वरना छोड़ेंगे नहीं उसे राम के बाण, उसे राम के बाण। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण।